हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल गुड? सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। जैसे कि आप जानते हैं, हम सेमेस्टर टू स्टार्ट कर चुके हैं। सेमेस्टर टू का चैप्टर थ्री चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर थ्री का वाटर, चैप्टर थ्री जो है वाटर, जिसका ना टाइटल है वाटर, उसका हमने कुछ पेजेस रीड किया था। इसमें हमने लर्निंग पॉइंट्स में इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर और सोर्सेस ऑफ वाटर पढ़ा था, है ना? सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ा था। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा, ये है ऑल अराउंड अस, पेज नंबर 171 में है। ऑल अराउंड अस मतलब हमारे चारों तरफ क्या है, तो सोर्सेस ऑफ वाटर और इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ने के बाद हमारे आसपास क्या है। वाटर कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। पूरी दुनिया जो है ना, पूरी अर्थ, उस अर्थ का कम से कम तीन भाग, मतलब तीन भाग पानी से ढका हुआ है। बट ऑल ऑफ दिस वाटर ऑल ऑफ इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, बिकॉज अबाउट 97 ऑफ द इट इज दी इन द ओशियन। पर ये सारा पानी पीने के लायक अच्छा नहीं है, हमारे मतलब पीने के लायक नहीं है, यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसका जो 97% जो पानी है ना, वो तो ओशन पानी है। ओशन मतलब समुद्र का पानी है। आउट ऑफ द रिमेनिंग 3%, 1% इज लॉक्ड इन द पोल्स इन द फॉर्म ऑफ आइस। देखो उसका भी ना, अब जो बच्चा 97% तो जो क्या हो गया, पानी जितना पानी है उसका 97% तो समुद्र में है। बच्चा 3%, 3% में से जो 1% है, वो 1% तो जो ध्रुवीय प्रदेश है, ठंडी जगह में ना, बर्फ में जमा हुआ है। बच्चा केवल 2% है। सो वी सी अमाउंट द वाटर अवेलेबल इन दी वेरी अवेलेबल इज वेरी लिमिटेड। जो पानी अब जो बचा 2%, वो 2% बहुत ही कम हुआ ना, उतना ही लिमिटेड हमारे पास पानी है, ठीक है, जो हम इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कैन यू से वाई वी कैन नॉट कंज्यूम वाटर प्रेजेंट इन दी ओशियन? क्या आप बता सकते हो कि जो पानी समुद्र में है उसे हम क्यों नहीं पी सकते? ऑब्वियसली क्यों नहीं पी सकते, पता है ना, क्योंकि वो पानी कैसा होता है, वो पानी पानी साल्टी होता है। साल्टी पानी हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है ना। साल्ट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एक लिमिटेड साल्ट को ही हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा साल्ट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो हम लिखेंगे बिकॉज आर बॉडी इज अनेबल टू गेट राइड ऑफ द साल्ट दैट कम्स फ्रॉम द ओशियन वाटर। सो क्योंकि बॉडी जो हमारी बॉडी क्या कहते हैं, जो पानी ओशन के पानी में, समुद्र के पानी में जो साल्ट है, उससे छुटकारा नहीं पा सकती, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, है ना। इसलिए लिखा है बिकॉज आर बॉडी इज अनेबल टू गेट रिड ऑफ दी साल्ट दैट कम्स फ्रॉम ओशन वाटर। जो समुद्र के पानी में साल्ट होता है, उससे हमारी बॉडी ओवरकम कर नहीं सकती, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए हमारे लिए हम इस ओशन पानी को यूज़ नहीं कर सकते एज अ ड्रिंकिंग वाटर, है ना। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर दैट वी यूज कम्स फ्रॉम द रिवर्स, वेल्स एंड स्प्रिंग्स। ज़्यादातर जो पानी का, जो साफ सुथरा पानी का सोर्स है, वो है नदी, कुएं और झरने। रैन प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल टू इन कीपिंग द रिवर्स गोइंग। जो बारिश है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है नदियों को बहने में, नदियां भरी रहने में, है ना। सिंस इट रेन्स फॉर ओनली पार्ट ऑफ द ईयर। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे साल में एक टाइम ही बारिश होती है, पूरे साल नहीं होती रहती। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव एंड और स्टोर रेन वाटर। इसलिए ज़रूरी है कि बारिश के पानी को सेव किया जाए और स्टोर किया जाए, ठीक है सर। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ रिवर फ्रॉम वेयर योर टाउन गेट्स इट्स वाटर सप्लाई। ऐसी नदी का नाम बताइए जहाँ से आपके शहर में पानी का सप्लाई होता है। देखिए, जो नल में पानी आता है वो नदी से पानी आता है ना, तो ऐसी कौन सी नदी है जहाँ से आपके शहर में, आपकी सिटी में पानी आता है, तो पता करना है। हिंट, इफ़ यू आर इन दिल्ली आर क्लोज बाय इट
इज यमुना इफ़ यू आर इन हैदराबाद इट इज़ कृष्णा। जब बताया हिंट बताया कि आप अगर आप दिल्ली के दिल्ली में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं तो आपका सप्लाई यमुना नदी से होगा, और अगर हैदराबाद की तरफ रहते हैं तो आपका नदी आपका सप्लाई कृष्णा नदी से होगा। ऑल्सो राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द कंडीशन ऑफ द रिवर, और उस जो भी जिस नदी से आपको पानी का सप्लाई होता है उसका कंडीशन भी लिखे किस कंडीशन में है। तो एक्चुअली हम लोगों के सिटी में जो है सप्लाई कहाँ से होता है, अहिरन नदी से होता है। अहिरन नदी नाम है जो जहाँ से हमारे सिटी में पानी का सप्लाई होता है, तो मैंने यहाँ लिखा अहिरन रिवर, ठीक है। और कंडीशन के बारे में लिखा है, कंडीशन ऑफ दिस रिवर इज नॉट सो गुड बट इट वाटर इज सफिशियंट फॉर दिस एरिया। जो नदी की कंडीशन है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है पर इसका पानी जो है पूरे एरिया के लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं, पेज नंबर 171। यहाँ पर सब को देख सकते हैं, डू यू नो दैट सम पार्ट ऑफ आर कंट्री फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के कई भागों में बहुत ज़्यादा कमी है होती है पानी, पीने योग्य पानी के लिए बहुत कमी होती है। सम पीपल हैव टू वॉक फॉर माइल्स टू फेच अ बकेट ऑफ क्लीन वाटर। कुछ लोग तो कितने कई मीलों तक मीलों तक चलते हैं जाकर एक बाल्टी पीने के लिए पानी लेकर आते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है जब जिससे हम क्या कहते हैं वाटर का मतलब वाटर कलेक्टर बना सकते हैं, रेन वाटर कलेक्टर बना सकते हैं। मतलब इससे हमें पता चल सकता है कि कौन से दिन में कितना पानी आया और एक तरह से हम पानी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी में मेकिंग अ रेन कलेक्टर, बारिश का पानी कलेक्ट करने का एक वो बना है। इसके लिए नीड है आपको 4 1 लीटर मिनरल वाटर बॉटल। मिनरल वाटर की जो बॉटल होती है 4 चाहिए। अ पेयर ऑफ सीजर्स, एक एक जोड़ी मतलब वो चाहिए, सीजर चाहिए मतलब कैची चाहिए। अ रूलर ब्लैक मार्कर, रूलर चाहिए और ब्लैक मार्कर चाहिए, नोट पैड चाहिए, ठीक है। अब इसको करना क्या है, यहाँ पर पूरे प्रोसेस लिखा है। सबसे पहले देखिए बॉटल का एक पार्ट को कट करेंगे, ऊपर के ऐसा भाग को कट करेंगे और उसे पलट कर ऐसे रख देंगे, है ना। कट हियर बॉटल को देन पुट अपसाइड डाउन, जो ऊपर का भाग है उसको नीचे डाल के करेंगे तो एक फनल जैसा बन जाएगा। तो देखिए आप लिखा है उसका कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ सीजर कट आउट द टॉप ऑफ ईच बॉटल। चारों बॉटल का ऊपर की ऊपरी भाग ऐसा भाग सीजर से काट लेना है कैंची से, ठीक है। पुट दीज टॉप्स अपसाइड डाउन ऑन द बॉटल्स, ऊपर का भाग जो है नीचे पलट कर रख देना है। दे विल एक्ट एज फनल नाउ। अब ये कीप होता है ना जिसमें से तेल वगैरह डालते हैं वो इसकी उस तरह से दिखने लगेगा। योर रैन कलेक्टर आर रेडी, अब ये रैन कलेक्टर चारों बॉटल रेडी है। टेक अ स्केल डिवाइड द लेंथ ऑफ बॉटल इनटू 10 इक्वल पार्ट। अब ये बॉटल का 10 बराबर भागों में स्केल से नाप के बांट देना है। इच पार्ट इज 100 ml, हर पार्ट को 100 ml बना दिया। अब एक बॉटल में क्या होता है, एक 1000 लीटर का होता है तो उसको काट के 10 भागों में बनाएंगे तो 100 ml हो गया, ठीक है। अब ये बॉटल को नंबरिंग करनी, नंबर दी बॉटल 1 to 4, पुट दैम आउट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस अराउंड योर हाउस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। चारों बॉटल में नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, और चारों बॉटल को अलग अलग एरिया में रखना है, अपने घर के आसपास चार अलग अलग जगह में रखना है। ईच डे मेजर द अमाउंट ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड एंड रिकॉर्ड इन द टेबल। रोज देखना है कि कौन से दिन में कौन से बॉटल में कितना पानी आया, ठीक है, और इसको इसमें लिखना है, इसमें लिखते जाना है, इस टेबल पे लिखते जाना है। तो ये एक्टिविटी है, खुद से करनी है। संडे के दिन बॉटल 1 में कितना लीटर पानी आया, बॉटल 2 में कितना आया, बॉटल 3 में कितना आया, बॉटल 4 में कितना आया, टोटल पानी यहाँ लिखना है। उसी तरह मंडे ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, एक 1 वीक तक ये करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जो है पेज नंबर 173 में आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ऑन विच डे डिड यू रिकॉर्ड द मैक्सिमम रेनफॉल, आपने कौन से दिन पे सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की, है ना। तो वहाँ से पता चल जाएगा टेबल से, ऑन विच डे डिड रिलीज्ड रेनफॉल अक्योर, सबसे कम बारिश किस दिन हुई। तो यहाँ देखिए टोटल से पता चल जाएगी कि आप किस दिन सबसे ज़्यादा हुई और किस दिन सबसे कम हुई, जब ये टेबल फिल हो जाएगा, ये वाला टेबल, ठीक है। चलिए आगे है रेनी सीजन। रेनी सीजन के बारे में क्या लिखा हुआ है, रेनी सीजन बिगेंस इन द मंथ ऑफ जून। कब स्टार्ट होता है बारिश, जून के महीने में। द वेदर चेंज ड्यू टू दिस सीजन, इस सीजन में मौसम बदलता है। मे इज हॉट, गर्मी होती है मई में। ग्रीनरी फ्लड थंडर लाइटिंग एंड रेनबो आर एसोसिएटेड विथ रेनी सीजन।
हरियाली आती है, बाढ़ आता है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और रेनबोज बनते हैं। ये सारी चीज़ें इस सीजन में होते हैं। इन दिस सीजन ट्रीज एंड फील्ड्स टर्न ग्रीन एज द रेनी सीजन ब्लेसेस मदर नेचर विथ वाटर एंड ग्रीनरी। इस सीजन में सारे पेड़ हरे भरे, खेत हरे भरे हो जाते हैं क्योंकि हमारी जो प्रकृति है वो पानी और हरियाली से हमें भर देती है। पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर मतलब जिसको यूज़फुल किया, जिसको यूज़ किया जा सके, ऐसा पानी जिसका हम इस्तेमाल कर पाएँ और जो हमारी पहुँच में हो। ठीक है, ऑल वाटर इज़ गुड इनफ फॉर यूज़ टू ड्रिंक, ऑल वाटर इज़ नॉट गुड इनफ फॉर अस टू ड्रिंक। पीने के लायक हर पानी नहीं होता। इट मे कंटेन इम्प्योरिटीज़ एंड जर्म्स विच कुड हार्म अस। इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, मतलब प्रदूषण हो सकता है, जर्म्स हो सकते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ऐसा पानी जो हमारे पीने के लायक है उसे पोर्टेबल वाटर कहते हैं। पोर्टेबल और ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्या होना चाहिए, पीने या पीने लायक पानी जो है वो कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस, आर पार दिखने वाला, उसमें कोई कलर ना हो, है ना। फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटीज एंड जर्म्स, जिसमें जर्म्स ना हो और कोई तरह की गंदगी ना हो, उसे पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेविंग वाटर, पानी की सुरक्षा कैसे किया जाए, है ना। देर आर टाइम्स वेन पीपल मे नॉट गेट वाटर सप्लाई इन देयर हाउसेस। एक टाइम होता है कभी कभी लोग को पानी का सप्लाई नहीं मिलता है। इट्स हैपन इन मोस्ट सिटीज बिकॉज, ये ज़्यादातर शहरों में होता है क्योंकि इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल, लोग बढ़ जाते हैं, पॉल्यूशन भी बढ़ जाने की वजह से होता है, वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी को बहुत ज़्यादा बर्बाद किया जाता है, इसकी वजह से भी कई कई बार पानी की शॉर्टेज हो जाती है। इट इज़ फेयर दैट सम ऑफ अस वेस्ट लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वाटर वाइल पीपल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री डू नॉट इवन हैव इनफ वाटर फॉर देयर बेसिक नीड्स। ये सच है कि ना बहुत सारे लोग जगहों में लोग पानी बर्बाद करते हैं, बेकार में यूज़ करते हैं, जबकि बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है कि लोगों को ज़रूरत के लिए पानी भी नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पर से एक टेबल दिया हुआ है, नाउ एग्जामिन द गिवन टेबल। ये टेबल दिया हुआ है, ड्रॉ द लाइन मैच द एक्टिविटी ऑन द लेफ्ट विद द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द राइट। यहाँ पर एक तरफ अमाउंट दिया है पानी का, कितना पानी, और एक्टिविटी दिया है, तो इसको मैं मैच करना है कि किस चीज़ में कितना पानी यूज़ होता है। ब्रशिंग टीथ में सबसे कम यूज़ होता है तो 7 लीटर, टेकिंग शावर में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है 400 लीटर, वाटरिंग द लॉन को धोने में 15 लीटर, ड्रिंकिंग के लिए 10 लीटर, वॉशिंग कार 600 लीटर, वॉशिंग वेजिटेबल्स 15 लीटर्स। तो ये हमने एक्टिविटी से मैच कर लिया अंदाज करके, एग्जैक्टली नहीं है, अंदाजन इतना पानी खर्च होता है। अब लिखा है डू यू थिंक यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर इन एनी अदर दीज एक्टिविटी। क्या आप सोच सकते हो कि इनमें से कौन से जगह पर आप पानी कम यूज़ करके पानी को बचा सकते हैं, और कैन वाटर यूज वन एक्टिविटी बी सेव्ड एंड यूज इन अनदर एक्टिविटी राइट हियर। और क्या आप पानी को इस तरह बचाकर दूसरी एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनको लिखिए। तो देखो मेरे ख्याल से वॉशिंग द कार, कार में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है, यहाँ जो भी एक्टिविटी लिखी है वॉशिंग द कार में 600 लीटर यूज़ हो रहा है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ इट वाटरिंग प्लांट, और यही पानी से हम प्लांट्स की सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं ना, और डेली होकर इस तरह से हम इसे बचा सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट टू रिमेंबर लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत याद रखने लायक हैं। उनमें फर्स्ट है वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ, जिंदगी के लिए जीने के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर टू है वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरटेनमेंट। पानी का इस्तेमाल किया जाता है पीने के लिए, नहाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। ये यूज़ है जो पानी की यूज़ है जो हमें करते हैं। वाटर कवर्स 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस बट ओनली 2% ऑफ ऑल अवेलेबल वाटर इज फ्रेश। पानी है जो पूरे पृथ्वी को एक तिहाई भाग को घेर रखा है, पर केवल 2% है जो पीने लायक है, जो फ्रेश वाटर है। नंबर 4 देयर इज वाटर शॉर्टेज बिकॉज वी पोल्यूट द वाटर बॉडीज एंड वेस्ट द वाटर अवेलेबल अस। यहाँ पर पानी की कमी होती है
क्योंकि पानी के बहुत सारी जगहों को गंदा कर दिया है जो हमारे लिए, और पानी को वेस्ट भी किया है जो हमारे पास अवेलेबल है। नंबर 5, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ आर रिवर लेक एंड स्प्रिंग विच आर रेन फेड। जो पानी के स्रोत हैं उनमें से है फ्रेश पानी के जो स्रोत हैं उनमें से है नदी, तालाब और झरने, जो कि पानी किसमें डिपेंड करते हैं, बारिश पे डिपेंड करते हैं। वी शुड प्रैक्टिस मेथड्स दैट एम टू सेव वाटर। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से पानी को बचा सकते हैं। सो बेटा दिस विल बी योर होमवर्क। ये जो पॉइंट टू रिमेंबर है आप इसे नोट डाउन करेंगे। इसे आप नोट डाउन करेंगे एज अपनी नोटबुक में एज योर होमवर्क। क्लियर। और ये जो चैप्टर हमने पढ़ा इसे आप इस चैप्टर को रीड करेंगे, ये आपका क्लास वर्क होगा और ये नोट डाउन करके आपका होमवर्क होगा। सो स्टूडेंट दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड एंड बी केयरफुल एंड कीप सेंडिंग डूइंग योर क्लास वर्क एंड होमवर्क। हैव अ नाइस डे।